दोस्तों राम राम, जय माता दी। अभी दोपहर होने वाला, सुबह है, 15 मिनट में दोपहर हो जाएगा। और मैं अपने दोस्त छोटू के साथ जा रहा हूँ जंगल के बीच में। एक जगह है अच्छा सा, तो मेरे के लिए जा रहा है। आज मैं झलमला जाने वाला था लेकिन मना कर दिया, तो फिर मैं कल जाऊँगा। ठीक है दाई, तो जा था ना। बाय, कटान देख के बाय बोलना। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ छोटू के साथ। छोटू, तो अभी हम लोग जाएंगे कहाँ छोटू? तो अभी हम लोग जंगल साइड तो जा ही रहे हैं, झरना झरना साइड जा रहे हैं, मतलब उस जंगल के पार जाएंगे हम लोग। कितना किलोमीटर हुई? 8-8 किलोमीटर। हाँ, इतना ज़्यादा किलोमीटर यार, लेकिन ज़्यादा नहीं लगता। नहीं पड़ेगा, महामाया से कितना आगे है? महामाया से एक दो किलोमीटर। अच्छा, तो कहाँ उतना ज़्यादा है? महामाया तो 2 किलोमीटर हुई का है, तो ऐसा में 4 किलोमीटर होना नहीं, चाहिए। उतना लाइफ है नहीं है, लेकिन कम हो ज़्यादा भी हो सकता। चलो फिर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग वही वाले मंदिर में पहुंच चुके हैं जहां मैं कल आया था। वो कल तो मैं यहाँ आप लोगों को यहाँ मंदिर का हाँ, दर्शन नहीं करा पाया था, लेकिन आज आप लोग को दिखाता हूँ मैं। दोस्तों पीछे मंदिर है, मंदिर से अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं झरने की ओर। तेज अनवेर ऐसे सीधा है का? मोला लगथे मन गलत रास्ता में आथन। ओ पार है तिसे लागथे, ओ पार है तिसे लागथे, ओ पार है का? सोच हवे तिसे लगथे ना, हां ए पार कहां है यार? ऊपर तो घूम है, ता ऊपर कहां है? चल इसे तो गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा पत्थर पत्थर है। रुको दिखाता हूँ, ऊपर साइड और भी पत्थर पत्थर है पूरा। ये पत्थर पत्थर ही पत्थर है यार, तो पत्थर पे ही चल रहा हूँ मैं कब से, जमीन नहीं है इधर। पत्थर 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 ही पत्थर है, देखो वाइट वाइट पत्थर। इधर पिकनिक मनाने भी आ सकते हैं वैसे, लेकिन बहुत दूर पड़ जाएगा हमारे गांव से। और इधर पानी का सुविधा भी नहीं है, मतलब हाँ, जो मंदिर जो मैंने आपको दिखाया था पीछे, वहाँ पे हैंड पंप है एक। तो दोस्तों 5 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर आ चुके हैं हम लोग, और झरना के पास पहुँचने ही वाले हैं।
जो पीछे तो पत्थर अभी तक साथ चल रहे हैं, पत्थर जो व्हाइट कलर के जो पत्थर आप लोगों ने देखे हैं, वो शेर वेर रहा थी रान। रास्ता तो दिखाते यार, ये देख पतला से। तो दोस्तों शायद हम लोग पहुंचने वाले हैं, पहुंच तो गए यार, क्यों कुछ दूसरा रास्ता है। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं शायद। लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है? तो आवाज तो राइट साइड से आती यार, वो दे। तो गाइस 6 किलोमीटर दूर चलने के बाद, 6 या 6.5 किलोमीटर, तो पहुंच चुके हैं हम लोग। पानी का बहाव यहाँ से यहाँ है, नीचे का है। चलो तो चलते हैं गाइस नीचे, पानी के साथ साथ, पानी के बहाव के साथ साथ। बने हावे तो वहां से आ रहा है पूरा पानी और अभी हम लोग नीचे जाने वाले हैं। और नीचे कितना खाई है यार, चल नीचे उतर बोगा। हाथ हाथ रुके रहे, फिसलन फिसलन है क्या, फिसलन है क्या? तो दोस्तों अब थोड़ा संभल के उतरना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा पतीला रास्ता है, मतलब जो उतार है वो वहाँ पे पूरा पत्थर पत्थर आप देख सकते हैं नीचे। और जूता भी उतार दिया हूँ मैं, जो जूता मैंने ऊपर ही रख दिया है, अभी पहना नहीं है क्योंकि अगर मैं जूता पहन के उतरता तो फिर उतरने में दिक्कत होता क्योंकि जूता हल्का सा ढीला था, मेरा नहीं था वो मेरे दादा का था, इसलिए जूता ही उतार दिया हूँ मैं, ऐसे ही उतर रहा हूँ। तो फिर और संभल के उतरना पड़ेगा और ये थोड़ा ना खड़ी उतार है जो उतर रहे हम लोग, थोड़ा वीडियो में उतने अच्छे से कवर नहीं हो पा रहे। और ये पत्थर पत्थर वाला रास्ता, और बस नीचे हम लोग बस पहुँच ही गए हैं। फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगा यहाँ नीचे से वो झरना कैसा दिखता है। तो फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं हम लोग किले कोड़ा के जंगलों में। दोस्तों झरने के हम नीचे उतरे थे और अभी बारिश शुरू हो गई है, तो अभी हम लोग ऊपर चढ़ने वाले हैं जहाँ से हम लोग आए थे ऊपर, तो चढ़ते हैं और ऊपर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों जैसे ही नीचे हम लोग गए थे झरने के पास, बारिश शुरू हो गई एकदम, हम लोग जल्दी जल्दी ऊपर चढ़े और पेड़ के पास ऐसे 1-2 मिनट खड़े थे, बारिश फिर से थोड़ी बंद हो गई है, मतलब रुक गया। मस्त थोड़ा वो टाइम रुके रहते हैं यार झरना का ना, पानी गिर गया। अब चल ऊपर चढ़ बोगा कि नहीं चढ़े, चल ऊपर चढ़ते हैं। दोस्तों अब आप लोग को ऊपर चढ़ेंगे, थोड़ा ऊपर वाला जगह है पठार जैसा, वहाँ से व्यू दिखाएंगे जंगल का।
दोस्तों उस पहाड़ी पे जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, वो बारिश हो रही है वहाँ। हम लोग उधर झरने के साइड गए थे, उधर भी बारिश हो रही थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे गांव के जंगल में इतना अच्छा सा जगह होगा, मतलब झरना वगैरह होगा। बस सुना था, मैंने सोचा था छोटा मोटा झरना होगा ऐसा वैसा कुछ, लेकिन बहुत ही सुंदर झरना था वो। दोस्तों उधर एक गुफा है, पता नहीं वहाँ पे काकर गुफा है, चीता वीता का ऐसा गुफा बोलते हैं वहाँ पे। अब हम लोग जाके नहीं देखेंगे नीचे, रुको दिखाता हूँ। नीचे वहाँ पे उस साइड पर जो चट्टान दिख रहा है ना, उसके जस्ट नीचे गुफा है। अब हो ये भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई जानवर हो, चीता वीता ऐसा कुछ, तो हम लोग उधर नहीं जा रहे हैं, चांस तो कम है। झांकबे का झांकना है का, चल छोड़ नहीं देखा यार, हाँ कर दी ज़्यादा हो जाएगी। अब ये फिर अबे लास्ट बार देख लो इसको फिर, क्योंकि हम लोग इस जगह को बाय बाय बोल के घर की ओर जाने वाले हैं। तो दोस्तों आते वक्त ये रास्ता सूखा था और देखिए इसमें पानी भर चुका है। अभी जो बारिश हुई थी हल्की हल्की, रिमझिम रिमझिम। कैसे हो बाबा, गर्मी दिन में कैसे हो वहाँ, बुरे नहीं का 12 महीना बुरे कैसे होते हो? झरना में कथे वही पानी में कैसे होते? पानी में कहाँ से पानी पिए और वहाँ नहाए बैठे। गर्मी दिन में का जेड़ बैसा हाँ वो शेर है आए हाँ और शेर आके बुले रहा है वहाँ पानी में ऊंचे। पानी में तो जो नीचे जो ऐसे पानी गिर से ऊपर ले और जो गड्ढा सन आवे तिया शेर बुड़े रहा है बाघ? हाँ 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 हावे हावे देखे हूँ हाँ हाँ हावे और एक ठन जगह गिर है वो जो पथरा पथरा सा नहीं है बाबा, ऊपर में पथरा पथरा सफेद सफेद, तहुन चो एक ठन गुफारी से नहीं वो। भगवा के हेम नहीं गए और थोर में ना रहा ना वो बराबर है, ओकर जंगल है ओकर है मगर साई कुकरी रहा है, शेर रहा है, चित्तन में रहा है, कुकरी में रहा है, साई कुकरी में रहा तो भगवा आ जाती वो नहीं है। हाँ चीता भी था भगवा उतार दे रहा पर नहीं है, निकाल गई ना कहीं चला नहीं। ये तो देखे हूँ वो देखा रहावे कहीं कहीं कहूँ नहीं कहा। तुमने सही खबर है एक बेकार चंद्र गुरु जी भी से चंद्र गुरु जी से देख रहे हैं जाने वाला कहाँ जान है। हाँ नहीं जाना मैं देखे नहीं है तेरे। हाँ हाँ तो छोटे से पाया खा तो सा खा तो चंद्र गुरु जी कहते हैं हाँ जान ही नहीं को। अरे आज कहाँ तो जाने, आज चल जंगल जाओ ऐसे करते हैं तो चल भाई ऐसे ही कहे। तब कहा था तेरे बागुड़ा में और काका से वही सब जगह और बाघो खोल में गिरे हैं तो हमार रोख में चगे रहन और पथरा लाल से कुर्थम धर रहा हम पथरा बिन बिन के और काका से मारन और खोल रहा तो आके हम देवी बबल बताए ना तो हम काका से हम कहे थे हम कह रहे जी तुमने उसने जाने कौन जाने कहाँ होकर 12 महीना 12 कोस के घूमइए कभी कभार हो जाते ऐसे ही के। अब अभी नहीं है, है किला फिर ना जाने कब आ जाए तो कर पा ठिकाना ऐसे कही के। तो वहाँ मेहमान आ रहा हो देखे है ना गरुआ है 2 रात 3 रात जंगल में रुक जाते 13 5 जाते। आगू के बाद बताते वो आगू रहा है कि आगू के बाद पहली जमाने में रहा है शेर कहाँ थे? पानी पी लेना पानी। हाँ हाँ जिस झरने
में हम लोग घूम के आए हैं। मेरे दादा बता रहे हैं कि वो झरना जो जहाँ पे हम लोग मैं नीचे उतरा था, उस झरने में पहले के टाइम में, अभी का पता नहीं लेकिन पहले के टाइम में जब मेरे दादा जब जवान थे तब शेर आता था, बाघ डूबा रहता था बोलते हैं पानी में, वहीं पानी में, और वहां से चढ़ता था। जब हम लोग चढ़े जो ऊपर में, तो वहीं पे वो बाघ, वो शेर, मतलब बाघ है या शेर है पता नहीं, तो वो बाघ जंप करता था, ऐसा बता रहे मेरे को। अभी मेरा हालत खराब हो रहा है ये सब सुन के। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।